हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक जेई। सो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि भाई टॉपर्स की तरह कैसे आंसर लिखे। दोस्तों, मेरे खुद के मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स आए थे 10th बोर्ड के अंदर, और आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपर की कॉपी लेके आया हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने इन्वेंट की इस कॉपी को, ये कॉपी फ्रीली अवेलेबल है, बट इसको आज हम लोग एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से टॉपर्स आंसर लिखते हैं। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, उस एग्जामिनर को और कुछ भी नहीं पता केवल आपके आंसर के अलावा। ठीक है, तो कोशिश हम लोग ये करेंगे कि इन आंसर्स को हम लोग मास्टर कैसे करें, किस तरह से इस तरह के आंसर खुद लिख सकते हैं वो देखने के। और अलग अलग पॉइंट ये है कि हर एक सेक्शन वाइज, हर एक टॉपिक वाइज पूरी आंसर की है हमारे पास, एक तरह से पूरे बोर्ड के सॉल्यूशंस है। तो हम लोग उसमें देखेंगे स्टैटिस्टिक्स में कैसे लिखना है आंसर, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे लिखना है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। थोड़ा सा प्रमोशन होगा पता है आपको, बट थोड़े टाइम बाद बिल्कुल काम की बात चालू हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस वीडियो को देखो कि किस तरह से आंसर लिखना है। और ये चीज आपको वो स्टूडेंट बता रहा है जिसके 100 में से 100 मैथमेटिक्स में मार्क्स आए थे। ठीक है, सो दोस्तों, राइटिंग आंसर लाइक टॉपर इन 10th बोर्ड। तो 10th बोर्ड में किस तरह से आंसर लिखता है एक टॉपर, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, 4 बजे मैं आप लोगों को प्रॉपर रिवीजन करवा रहा हूं बोर्ड एग्जामिनेशन का। इसका जो सारा मटेरियल है वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, 10th बोर्ड का मटेरियल भी आप लोगों को इस पे इस ग्रुप पे मिल जाएगा। टारगेट प्रीआरएम 2020 मेरा 7 बजे कोर्स चलता है। सो दोस्तों, जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सो ये डिफरेंसेस है प्लस प्लेटफॉर्म और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के बीच में, आप लोग देख सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है इंटरेक्शन विद दी एडुकेटर। एडुकेटर के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है प्लस प्लेटफॉर्म पे। काफी सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, आप लोग भी अगर मेरी मेंटरशिप में आना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो प्लस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को क्या करना है, सिंपल मेरा कोड यूज करके प्लस प्लेटफॉर्म पे आना है @prashant42jain। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, फिर मुझे टेलीग्राम पे बताइए आप लोग कि सर हम प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, आप हमें ग्रुप पे जोड़ लीजिए, मैं फिर मेरे जो सुपर 30 ग्रुप्स हैं उसमें आप लोगों को ऐड कर दूंगा। ठीक है, जो मेरे सुपर 30 ग्रुप्स है उसमें मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम फाउंडेशन में भी दोस्तों पूरी टीम हमारी आ चुकी है, पूरी टीम आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग जल्दी से हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सके पीजे लाइव कोड यूज करके। राइट, पीजे लाइव कोड आप लोगों को यूज करना है। फाउंडेशन प्लेटफॉर्म की फी भी 10% रिड्यूस हो जाएगी। मोबाइल पे भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं टारगेट, या तो फाउंडेशन चूज करें, IIT JEE चूज करें, जो भी आपके टारगेट्स हैं, और फिर पीजे लाइव कोड यूज कर सकते हैं फॉर 10% डिस्काउंट। ठीक है, सो अपना टाइम आएगा, आपका टाइम आ चुका है, आप लोग बोल दीजिए इस चीज को, तब तक मैं आप लोगों के लिए आंसर निकाल देता हूं। जो आंसर मुझे दिखाना है आप लोगों को, ये देखिए मैंने ओपन कर रखा है इसको स्टार्टिंग से ही, आई होप थोड़ा बहुत विजिबल होगा। पहला वाला क्वेश्चन किस चीज का है देख लेते हैं अपन लोग। तो अब देखो दोस्तों, मजा आएगा आपको इसके अंदर। सो ये स्टूडेंट है सेक्शन डी, इसके इसने सबसे पहले अटेम्प्ट किया, मतलब जो लास्ट क्वेश्चन है ना सबसे पहले इसने वो अटेम्प्ट किया है। ऑब्वियसली देखो 2018 का पेपर है, पैटर्न उसके बाद चेंज हो चुका है 2020 के अंदर। 2020 में दो तरह के पेपर आ गए, मगर आंसर राइटिंग की जो स्टाइल है ना वो क्लियरली वही है। ठीक है, तो अब देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे, अब यहां पे मीन निकालना होगा। ठीक है, मीन में कोई सा भी मीन यहां पे दे रखा है और हमें एफ की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे एफ आप लोगों को दिख रहा होगा, इस एफ की वैल्यू आपको निकालनी है और मीन आपको गिवन है। तो अब देखो इस बच्चे ने क्लियरली पहले पूरी टेबल बनाई है, ये एग्जाम में नहीं दी होगी, बट कितना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन आप देखिए पूरा, ये जो तीन कॉलम है ना, ये तीन कॉलम तो विजिबल होंगे। ठीक है, ये तीन कॉलम दे रखे होंगे, फिर उसने पूरी कैलकुलेशन करके बताइए यहीं पे। और देखो डायरेक्टली नहीं लिखा, मल्टीप्लाई करके दिखाया। कोई बच्चा 3 × 12 = 16 लिख सकता, 36 लिख सकता था, बट उसने क्या किया है, पूरा 3 × 12 = 36 पूरा कैलकुलेट करके बताया ताकि कोई दिक्कत ना हो। फिर उसने इसको टोटल किया, इसका टोटल, दोनों का टोटल इसने यहां पे लिखा है। ये देखो क्लियरली मेंशन है, टोटल इस जगह पर है, ये एरो भी क्लियरली विजिबल है ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो।
कोई कंफ्यूजन ही ना हो, एग्जामिनर को क्लियरली पता चल जाए अच्छा या इस यहां पे टोटल लिखा हुआ है, यहां पे इन सब इस कॉलम का टोटल लिखा हुआ है। अब देखो कितना नीटली लिखा हुआ है, गिवन हमें क्या गिवन है, मीन वैल्यू किसकी निकालनी है, एफ। अब फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला लिखने से ये चीज क्लियरली हो जाती है कि भाई कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, मतलब क्या पता एग्जामिनर को फॉर्मूला याद ना हो, ठीक है। तो उन्होंने भाई फॉर्मूला भी बता दिया कि भाई ये फॉर्मूला ये होता है मीन का, मीन और उसको क्या बोलते हैं, एक्स बार। ये देखो ब्रैकेट में एक्स बार भी लिखा हुआ है, एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और इसकी वैल्यू 18 दे रखी है। सिंपली फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई में देखो कैलकुलेशन पूरी करके दिखाइए, आप देखो कितना अच्छे से पूरी कैलकुलेशन करके दिखाई है इस बच्चे ने, और फिर एफ की वैल्यू 8 निकाली, ठीक है। एफ की वैल्यू क्लियरली इसने 8 निकाली है, इसको पूरे पूरे नंबर मिले 4। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, अब देखना अगला क्वेश्चन हाइट्स एंड डिस्टेंस का था। अब हाइट्स एंड डिस्टेंस में डायग्राम की वो देखो, आप क्वालिटी देखो, फ्री हैंड ड्राइंग नहीं है ये, फ्री हैंड ड्राइंग नहीं है, प्रॉपर स्केल से डायग्राम बनाया हुआ है, और यहीं पे साइड में इन्होंने क्लियरली लिख दिया कि भाई कौन सी चीज क्या है, जैसे ए बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ये बोट वन बोट टू सबकी क्लियरली मेंशन है यहां पे, राइट। तो डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से बनाए, ये बोट की पोजिशन वन है, ये बोट की पोजिशन टू है, या फिर दो बोट्स होंगी उस क्वेश्चन में, क्लियरली यहां पे मेंशन कर दिया, और हमें सी डी निकालना है। तो ज्योमेट्री के अंदर खासकर गिवन क्या है, अज्यूम क्या किया है, निकालना क्या है, ध्यान से सुनो, गिवन क्या है, अज्यूम क्या किया है और निकालना क्या है, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए, और यहां पे उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया कि भाई सी डी क्यों निकालना है, क्योंकि सी डी को हमने डिस्टेंस बिटवीन शिप्स माना है, राइट। तो ये चीज दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वी नो, फिर उसके बाद तो कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन में भी देखो अगेन टेन थीटा को क्लियरली इसने लिखा हुआ है कि क्या फॉर्मूला होता है, फिर टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 अज्यूम होती है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 100 बाय x एक्स इक्वल टू 100 मीटर, पूरा आंसर ढंग से निकाला है, फिर उसके आगे भी पूरा सॉल्व किया है। तो कैलकुलेशन देखो कितनी प्रॉपर है, कैलकुलेशन बिल्कुल प्रॉपर है, एक एक स्टेप नीटली लिखा हुआ है, राइटिंग तो देखो भगवान के देन से इस बच्चे की राइटिंग अच्छी है, मतलब ऐसा भी नहीं कि मोती जड़े हुए हैं, मगर लेजिबल है, क्लियरली दिख रहा है, सब समझ में आ रहा है, डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो गिवन रूट थ्री इक्वल टू 1.732, क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि रूट थ्री की वैल्यू क्या ली रही है, तो इसने 1.732 ली, डी की वैल्यू निकाली, डी का आंसर दिया, और फिर कितना नीटली अच्छे से बॉक्स बना के फाइनल आंसर लिख दिया। मैंने आप लोगों को बताया था कल वाले वीडियो के अंदर, अगर मान लो किसी एग्जामिनर को जो कॉपी चेक करेगा उसको जल्दी है, उसको जल्दबाजी में कहीं जाना है, तो वो फाइनल आंसर भी देख के भी संतुष्ट हो सकता है, आपको पूरे नंबर दे सकता है, उसको लगा कि यार हर चीज नीटली लिखी हुई है, चलो नंबर दे दो 73.2 मीटर, क्लियरली बॉक्स बना के। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, क्लियरली बॉक्स बना के आंसर लिखने होते हैं, ये चीज मैंने भी आप लोगों को बताई थी, मैंने खुद ने जब एज ए स्टूडेंट अटेम्प्ट किया था तो इसी तरह से अटेम्प्ट किया था, ठीक है। फिर अब आगे बताता हूं मैं, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, अब इसने देखो एक क्वेश्चन छोड़ दिया, वो क्वेश्चन शायद बाद में किया है, 29 के बाद 27 क्वेश्चन आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्री में देखो आइडेंटिटी प्रूव करनी थी, एक तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसमें क्लियर होता है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड को पहले इवेल्युएट करो, राइट हैंड साइड 10 दे रखी है, इसको इवेल्युएशन की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाइंग एलएचएस कितना क्लियरली लिखा हुआ है। अब देखना इसमें एक एक स्टेप देखना, साइन ए माइनस टू साइन स्क्वायर, टू साइन स्क्वायर साइन क्यूब ए, और टू कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, साइन ए और कॉस ए इसने इसमें कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में। अब इसने देखो यहां पे क्लियरली, अब बताए एनटीएससी में तो इन दोनों को फटाफट से काट देते हैं, क्यों भाई, क्योंकि देखो वन माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी वही आ गया, कैंसिल हो जाएगा, बट ये तो बोर्ड है, यहां पे तो एक एक स्टेप लिखनी पड़ेगी। तो देखो इसने क्या किया, क्लियरली वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए को टू साइन स्क्वायर ए को इस तरह से लिखा, फिर साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं, मतलब वन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन, सिंस तीन बिंदिया क्या होती है, सिंस तीन बिंदिया उल्टी होती है तो सिंस, सीधी होती है तो देयरफॉर, ठीक है। क्लियरली इसने लिख दिया कि भाई मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, इस क्वेश्चन में भी हमने देखा, जो चीज गिवन मतलब जो चीज हमें निकालनी है वो आप लोग क्लियरली, मतलब जो चीज हम यूज कर रहे हैं उसको अच्छे से लिखना चाहिए, और अच्छे से पूरा नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है, फिर इवेल्युएट किया, कैंसिल किया, साइन ए अपॉन कॉस ए नॉट इक्वल टू वन आ गया, ठीक है।
साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या लिखा है, हाँ साइन ए अपॉन कॉस ए इन टू वन मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाय वन लिखा क्योंकि कैंसिल कर दिया जो कि टेन ए होता है, फिर लिख दिया देखो फिर क्या लिखा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हेंस प्रूव्ड। ये दो स्टेप लिखनी बहुत जरूरी है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और ये भी लिख दिया कि भाई साइन ए अपन कॉस ए टेन ए होता है। अगर किसी को नहीं पता तो ये चीज भी इसने लिख दी कि भाई साइन ए अपन कॉस ए टेन ए होता है, तो मैंने इस आइडेंटिटी को यूज किया है। और एक एक चीज एक्सप्लिसिटली लिखना जरूरी है, ठीक है जल्दी से इसको देख लो। ठीक है तो आप देखो ये क्वेश्चन हो गया, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फ्रस्टम का क्वेश्चन है अगला वाला, अगेन थोड़ा सा जल्दी जल्दी फ्लिप आउट करेंगे। अब तो यहां पे भी देखो फर्स्ट पार्ट है क्लियरली मेंशनड है, क्वेश्चन नंबरिंग बिल्कुल क्लियरली मेंशनड है, ठीक है हर एक चीज एक तरह से ज्योमेट्री की चीजें होती है, सारी चीजें जो अज्यूम्ड है गिवन है सब चीज ऊपर लिख दी, डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन बना दिया, देखो कितना अच्छे से स्केल यूज करके डायग्राम बनाया हुआ है, पूरे डायमेंशन मेंशन कर दिए, फिर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख रखा है जो फॉर्मूला होता है अच्छे से नीट एंड क्लीन लिख दिया, फिर एल के लिए पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से लगाते हैं ये भी क्लियरली लिखा हुआ है, पूरा आंसर इसने बच्चे ने निकाला है, फिर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला वापस से डाला और ये चीज पुट की और आंसर फाइनल निकाला, और आंसर देखना आंसर निकाल के सर्कुलर बेस का एरिया निकालना था, सर्कुलर बेस एरिया और सर्कुलर बेस पाई आर स्क्वायर यूनिट, हर एक जगह फॉर्मूला एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहा है ये बच्चा, एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहा है, ठीक है तो एक्सप्लिसिटली मेंशन किया टोटल एरिया ऑफ शीट, और फिर देखो अगेन पूरी कैलकुलेशन ढंग से करी दी, तो बॉटम लाइन क्या है फॉर्मूले सारे लिखने हैं, जो चीज अज्यूम्ड है वो क्लियरली मेंशन कर दो, जो चीज गिवन है वो क्लियरली लिख दो, जो निकालना है वो क्लियरली लिख दो, जो अजम्पशंस है वो क्लियरली लिख दो, कैलकुलेशन बिल्कुल प्रॉपर करो, कैलकुलेशन के जो इंटरमीडिएट स्टेप्स होती हैं वो भी दिखानी है, और फाइनली जो आंसर है उसको हम लोग बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। और फिर देखो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, इसके अंदर क्या लिखा होता है कि भाई प्लास्टिक बकेट्स क्यों लेस प्रिफर्ड होते हैं मेटल बकेट से, तो रीयूजेबिलिटी का वो होता है, तो इसने बहुत अच्छे तरीके से एनवायरमेंट से जोड़ के इस चीज को इसका आंसर लिखा है, तो इसके भी एक पॉइंट था, तो वो भी इस बच्चे को मिला है। अब लीनियर इक्वेशन का था, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन था अगला वाला, अब देखो यहां पे देखो चॉइस वन, ये चॉइस वाला क्वेश्चन था, दो चॉइसेस थी, इसने क्लियरली लिखा कि भाई सर 23 क्वेश्चन कर रहा हूं उसमें चॉइस वन मैंने चूज की है, तो क्लियरली एक्सप्लिसिटली यहां पे मेंशन करो कि कौन सी चॉइस आप यूज करोगे, ठीक है फिर डायग्राम मतलब कौन सी चॉइस आप सॉल्व कर रहे हो, डायग्राम बनाया अच्छे से अगेन, फिर हर एक चीज गिवन लिख दिया प्रॉपरली क्या क्या चीज है, वेरिएबल क्या अज्यूम किया वो भी क्लियरली लिख दिया, ठीक है डिस्टेंस अपस्ट्रीम, और ये ना ये जो पीडीएफ है दोस्तों ये मैं आपके ग्रुप पे भी डालूंगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस अपस्ट्रीम प्लस बैक 24 किलोमीटर हर एक चीज लिख दी, फिर कैलकुलेशन करी अच्छे से, पूरी कैलकुलेशन की हुई है देख लो, पूरी की पूरी कैलकुलेशन की हुई है, फाइनली क्वाड्रेटिक बनी है, क्वाड्रेटिक के अंदर -54 आया, क्लियर रीजन लिखा है। अब देखो दो आंसर है बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, फिजिक्स में हो सकती है डायरेक्शन की वजह से मगर यहां पे स्पीड है वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर, अगेन पूरा बॉक्स बनाया बकायदा, ठीक है। फिर आप देखो क्वेश्चन 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 25, इसको लगा कि यार अब मैं ये कर सकता हूं तो मैं ये कर देता हूं, इसने रफ में किया होगा इसका आ गया होगा आंसर, हाँ हो गया प्रूफ, तो इसने फिर फेयर आउट किया इसको, इसकी कॉपी में आप देख रहे हो एक भी कटिंग नहीं है, आपको कटिंग दिख रही है इसके अंदर, एक कटिंग यहां है ये देखो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल को इसने बहुत नीटली कट किया है, ऐसे ऐसे नहीं किया, बस सिंगल काटा और उसको लिख दिया इन ट्राइंगल ए बी, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो टीचर होता है ना उसको पसंद होते हैं सिंबल्स, तो अगर आप परपेंडिकुलर के लिए ऐसे यूज कर रहे हो तो बहुत मजा आता है उनको, तो ये लिख दिया बाय पाइथागोरस थ्योरम अगेन। अब ज्योमेट्री के अंदर क्या होता है, ज्योमेट्री क्वेश्चन में गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन फिक्स होता है, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, ये तीनों चीजें फिक्स होती है, क्या क्या गिवन है टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, डायग्राम बना दिया साइड में बिल्कुल नीट एंड क्लीन, फिर प्रूफ चालू कर दिया, ठीक है जो जो आइडेंटिटीज आप यूज करोगे उसको लिख दिया, सिंस देयरफॉर दुनिया भर के इसमें सिंबल्स वगैरह आते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को यूटिलाइज करनी है, जितना आप लोग अच्छे से सोफिस्टिकेटेड होकर लिख पाओगे उतना ही आप लोगों के लिए सही रहेगा, ठीक है।
तो गिवन टू प्रूव ज्योमेट्री के अंदर इस तरह से कर सकता है, राइट right? और कैलकुलेशन देखो हर स्टेप पे देखो. अब इक्वेशन नंबरिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन नंबरिंग कितनी प्रॉपर है, क्योंकि इसको ये बच्चा लिखने वाला है फ्रॉम वन एंड टू, ऐसे करके कुछ ना कुछ लिखेगा, ये देखना अभी, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये देखो फ्रॉम वन, क्लियर इसने यूज कर दिया. एक्सक्यूज मी, तो ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर वन यहां पे यूटिलाइज कर ली, कि भाई इक्वेशन नंबर वन से हम लोगों ने ये निकाला है, फिर अगली इक्वेशन आ गई, फिर इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी इसने फिर कंपेयर किया और हैंस प्रूव लिख दिया. इंप्लाइज, ये इंप्लाइज का साइन होता है, इंप्लाइज का साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि भाई ये इन दोनों से ये इंप्लाई हो रहा है. मैथमेटिक्स में सिंबल्स की खुद की लैंग्वेज होती है, सिंबल्स की मैथमेटिक्स के अंदर, तो वो अच्छे से यूटिलाइज करनी होती है, ठीक है. तो ये एक क्वेश्चन हो गया, काफी इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने बता दिया आपको इसको, स्टेप्स बहुत नीट एंड क्लीन लिखा. देखो मैं आपको बता रहा हूँ, बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं सारे इजी आते हैं, इट्स ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन, इट्स ऑल अबाउट, मतलब आप खुद सोचिए सीबीएसई आंसर की रिलीज नहीं करता, सीबीएसई मॉडल आंसर रिलीज कर रहा है, समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एनटीएससी आंसर की रिलीज करता है, एनएससीजेएस आंसर की रिलीज करता है, वहां पे आंसर से मतलब है, यहां पे किस चीज से मतलब है, रिप्रेजेंटेशन से. इसीलिए मॉडल आंसर की बता रहे हैं बार बार, यार देख लो तुम, हमने बता दिया है तुम्हें, अब फिर तुम नहीं लिखोगे तो हमारी गलती नहीं है, तुम्हारे कम नंबर आ गए, हम अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. तो इसलिए हम भी इस जिम्मेदारी को समझते हुए इस पूरे क्वेश्चंस को बिल्कुल स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि जितने भी मॉक पेपर्स आप करने वाले हो मैथमेटिक्स के लिए, वो उसमें आप लोग ये चीज करो, ठीक है. फिर अगला एपी का क्वेश्चन, अगेन गिवन टू प्रूव, इंप्लाइज के साइन, सब इंपॉर्टेंट है. यहाँ लैंग्वेज देखो कितनी सारी लिखी हुई है, ठीक है. एपी एलजेब्रा के अंदर बहुत सारी चीजें समझानी पड़ती है लैंग्वेज से. अब देखना यहां पे क्या हुआ है, यहां पे देखना ये कटिंग हो रही है, ठीक है, बट ये कटिंग अगेन कुछ बहुत गंदी सी नहीं लग रही, पूरा कट कर दिया इसने बस, ठीक है. यहां पे भी कट हो गया, पूरा कट हो गया, आंसर पूरा कट कर दिया, ठीक है. अब कट क्यों किया ये समझ लेंगे, बाद में समझेंगे. अब देखो कट क्यों किया है ना, ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई इसने कट क्यों किया है. ऐसा हो सकता है कि इसने इसका सोल्यूशन बाद में लिखा, मगर अगर कटिंग करनी है ना तो बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सिंगल कट कर दो. और आप पता है इसमें इस बच्चे ने लिखा हुआ नहीं है, आप क्या कर सकते हो, आप क्लियरली इसके अंदर ये लिख सकते हो, डू नॉट यूज दिस फॉर इवेल्युएशन, डू नॉट यूज, मतलब बॉक्स बना के यहाँ पे साइड में लिख दो, डू नॉट यूज दिस फॉर इवेल्युएशन, ठीक है, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा अगर कट करना है तो, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहां पे कट करके, हाँ समझ गए ना अपन, यहां पे कट करके यहां पे लिखा हुआ है, देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये कट, ये वाला पार्ट कट नहीं है, क्लियरली बाइफरकेट किया कट वाले पार्ट को, जो इसने कट किया है ना उस वाले पार्ट को क्लियरली बाइफरकेट किया और यहां पे सारा आंसर लिख दिया, यहां पे टिक भी लगे हुए हैं, देखो आप क्लियरली पता है. बट आप लोग क्लियरली इसमें ये भी मेंशन करें कि प्लीज डू नॉट इवेल्युएट, दिस इज दी राइट आंसर. तो अब देखो स्टार्टिंग से देखते हैं अपन लोग इसको, ये कट हो गया, ये कट हो गया, यहां तक सब कट हो गया, ठीक है. अब देखो ये चीज सही है, ये चीज भी सही है, उसके बाद से कट किया है, एक पेज वेस्ट हो गया इस बच्चे का इसके अंदर, बट कोई बात नहीं, ठीक है. पेज नंबरिंग देखो लिखी हुई है यहां पे 12, यह कट कर दिया, फिर इसने अच्छा ये बॉक्स बनाया हुआ है कि सर ये सही है, ये भी चीज है. देखो अब ये बताओ, ये बहुत मेरे हिसाब से तो बहुत खतरे से खेलने वाली बात है. ये बच्चा यहां पे लकी हो गया कि इसने यहां काट रखा था, यहां काट रखा है, यहां काट रखा है, और ये वाला बॉक्स बना के इसको सही कर दिया, ठीक है. तो ये बहुत खतरे से खेलने वाली बात है, मेरे हिसाब से तो इसको पूरा काट के बिल्कुल फ्रेश से करना चाहिए, मेरी तरफ से तो ये टिप है, ठीक है. इसका सही हो गया, सीबीएसई ने इसको मॉडल आंसर भी दिया है, बट मेरे हिसाब से पूरा कट करके वापस से इसका आंसर लिखा जा सकता है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं हम, तो ये एपी का क्वेश्चन हो गया. फिर अगेन ट्राइंगल का सिंपल है. अब ये देखना, ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था, कंस्ट्रक्शन में इस बच्चे ने पहले रफ डायग्राम बना दिया कि सर मेरा इंटेंशन ये है कि मैं ऐसा बनाऊंगा डायग्राम, ठीक है. रफ डायग्राम हो गया, इसने सारी चीजें लिख दी कि ये चीजें मेजरमेंट है, ठीक है, रिक्वायर्ड एंगल, ये सब चीजें कंस्ट्रक्शन करके बताया. कंस्ट्रक्शन की स्टेप्स अब होंगी, है ना. अब कंस्ट्रक्शन की देखो स्टेप्स इसने लिखी नहीं है यहां पे, ठीक है.
ट्रायंगल पीपीएम, बट इसने सारी चीजें, या तो ऐसा होगा क्वेश्चन में कि स्टेप्स नहीं लिखनी होंगी, केवल डायग्राम बनाना होगा, यहाँ पे सारे आर्क वगैरह ऑल्दो इसने बहुत क्लियरली मेंशन किए हुए, बट फिर भी मेरे हिसाब से स्टेप्स लिखनी चाहिए, टाइम होता है हमारे पास सफिशिएंट स्टेप्स लिखने का। अब सेक्शन सी आ गया, सेक्शन डी देखो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया, जो मैक्सिमम मार्क्स का था वो कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी शॉर्ट आंसर्स, इसमें भी देखो क्लियरली चॉइस टू, चॉइस टू की है क्वेश्चन नंबर 19 की, राइट। अब देखो कितना छोटा सा सॉल्यूशन है, 10 टू ए कॉट ए माइनस दिस ये एक्यूट, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, सिंपल लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ए के अंदर बन गई हर चीज, टू नो टू फाइंड ये सब चीजें लिखनी है, ये बता रखा है मैंने आपको। ये देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस और स्पीड का क्वेश्चन था अगला वाला, इसमें भी क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक बना दी अच्छे से, उसको सॉल्व किया, एक एक स्टेप लिखना है। देखो यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक बन सकती थी, और आपको पता है कि एनटीएससी में होता तो एक स्टेप में हम लोग आंसर निकाल लेते, मगर एक एक स्टेप लिखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी देखो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, क्लियरली ये जस्टिफिकेशन सारे लिखने हैं कि भाई हम किसी भी आंसर को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। फिर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ये है टू जीरोज, ये है टू जीरोज, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट निकाला आ जाएगा इससे, और फिर एक पॉलिनोमियल आ जाएगा इससे, और ठीक है टू जीरोज ये है प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो, वन इज जीरो, सम ऑफ कोफिशिएंट जीरो आ रहा है तो वन भी फैक्टर है, वन से डिवाइड कर दिया ये आ गया, डिवाइड करने पर ये डिवाइजर आ गया, ये डिवाइजर आ गया, डिवीजन एल्गोरिदम से हम लोगों ने इसको जी एक्स लिख दिया, डिवीजन एल्गोरिदम का क्वेश्चन था ये, तो ये चीज आप लोगों ने कर दिया, सम ऑफ रूट्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, पूरा एक एक फॉर्मूला लिखा हुआ है बच्चे, ठीक है। वैसे अगर एनटीएससी के हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजिली किया जा सकता है, बट बोर्ड के हिसाब से हर एक चीज लिखनी थी, तो इस वजह से ज्यादा काफी बड़ा ये चला गया, ठीक है। और मतलब यहाँ पे देखो साइन वाइन भी किए हुए हैं फैकल्टी मेंबर ने, तो काफी अच्छे से इसने किया है, चारों रूट्स निकाले, ऑल्दो इसके बहुत इजी मेथड से निकाल सकता था ये बच्चा चाहता तो इन दोनों के जो जीरोस थे उससे पॉलिनोमियल बनाता, इसको मल्टीप्लाई करता, तीन डिग्री का एक पॉलिनोमियल आता, ऊपर चार डिग्री का था उससे डिवाइड करके डिवाइजर निकालता, तो 2x-1 आ जाता एक स्टेप में, मतलब एक डिवीजन में, जो इसने ऊपर किया है ना डिवीजन से आंसर आ सकता था, बट इसने थोड़ा लंबा किया है, बट फिर भी हर एक चीज नीट एंड क्लीन है, ठीक है। HCF LCM रियल नंबर्स का क्वेश्चन है, देखो अगेन बॉक्सिंग, हर एक चीज को बॉक्स बना के दिखाया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियरली। और देखो हर एक क्वेश्चन के बाद बाउंड्री, कि भाई मेरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, हर एक क्वेश्चन के बाद इसने बाउंड्री बनाई है, देख लो आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रफ वर्क क्लियरली मेंशनड है यहाँ पे। अब यहां देखो अगेन चॉइस टू, क्वेश्चन नंबर 15 की चॉइस टू की है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ट्राइंगल, अब देखो ट्राइंगल का एरिया पहले लिखा हुआ है कि भाई ट्राइंगल का एरिया ये होता है, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल गया, बॉक्स किया, स्ट्रेट लाइन बनाई, कंस्ट्रक्शन, मतलब ये वही ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन फिक्स है, उसके आगे सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक, सीपीसी टीपीसी, फिर क्वेश्चन खत्म होते ही। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगेन पूरी नीट एंड क्लीन टेबल है, मीडियन फाइंड करनी है, मीडियन का फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला लिखना सारे जरूरी है, बता रखा है मैंने आप लोगों को ये बात, ठीक। तो देखते जाओ बस आप लोग, है ना, पूरा देखो अगेन आंसर बिल्कुल क्लियरली मार्क, फिर बाइफर्केशन। अब थोड़ा हम लोग दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है, ये ग्राफ, ग्राफ आ गया भाई लोग, आप लोगों का ग्राफ, ठीक है, ग्राफ इसने कुछ अटेम्प्ट ही नहीं किया, इसने दूसरा चॉइस वाला क्वेश्चन कर लिया होगा, या तो ग्राफ, वैसे भी किसको पसंद है यार, मतलब मुझे तो पसंद है बट बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं होता, ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया तो इसलिए छोटा किया मैंने। अब ये देखो फिर अब अगला सेक्शन चालू हो गया, देखो आंसर लिखने का तरीका वही है, बाउंड्रीज है, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, लिखने का तरीका वही है, देखो बाउंड्रीज है, राइट, बाउंड्रीज हैं प्रॉपरली, इस तरह से कर दिया,
हर एक क्वेश्चन का आंसर निकाला, फिर बाउंड्री निकाली है। अब सेक्शन है, सिंगल सिंगल नंबर एक नंबर का होता है। इसमें भी देखो, अब तो मल्टीपल चॉइस आ रहे हैं तो पैटर्न चेंज होगा, बट क्लियरली छोटे छोटे में भी हर चीज निकाली हुई है, हर एक चीज क्लियरली निकाली हुई है। तो मेरा तो यही होता है आपको बताने का कि हर एक आंसर निकालना चाहिए इस तरह से, हर एक की स्टेप्स भी लिखनी चाहिए, ताकि अगर कहीं गलती से कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, एग्जामिनर का दिल अच्छा है तो आधा नंबर तो दे ही देगा आपको। ठीक है, तो ये पूरा कार्यक्रम खत्म, सेक्शन है। तो इस तरह से ये पूरा हम लोगों ने देख लिया। सो बेसिकली देखो, हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी, अगर मैं बुलेट पॉइंट्स में कंक्लूड करूं आप लोगों के लिए। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या देखा इसके अंदर, आंसर्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखे हुए थे। ठीक है, तो राइट गिवन प्रॉपरली, गिवन कितना अच्छे से लिखा हुआ था, मेंशन इंटरनल चॉइस, ये इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल चॉइस में से कौन सा यूज किया आप लोगों ने, इंटरनल चॉइस में से आप लोगों ने कौन सा यूज किया है ये क्लियरली मेंशन कर दो। थर्ड यूज यूज फॉर्मूला, फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं, एंड राइट देम प्रॉपरली, इसको प्रॉपरली राइट भी करो, राइट right? फिर कटिंग शुड बी प्रॉपर, प्रॉपरली कट करो, उसमें लिख भी सकते हो, डू नॉट इवेल्युएट, लिख भी सकते हो, मेरे हिसाब से तो लिख भी सकते हो, कटिंग शुड बी प्रॉपर। ठीक है, क्लियरली बॉक्स द आंसर, बॉक्स द आंसर मतलब आंसर को बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, यूज एज मच मैथमेटिकल सिंबल्स एज पॉसिबल, जितने मैथमेटिकल सिंबल यूज करोगे उतना अच्छा है, बट वो सब एनसीईआरटी में होनी चाहिए, है ना, जैसे ये लिखा होता है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट होता है। अब ये एनसीईआरटी में है ही नहीं, 10th के एनसीईआरटी में आप लिख दो तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, ये चीज मत कर देना। ठीक है, तो ये हो गया, यूज एज मच मैथमेटिकल सिंबल एज पॉसिबल। ठीक है, ये हो गया, क्लियरली बॉक्स द आंसर, हमने ये लिखी दिया, फॉर्मूला जो भी यूज किया है उसको अच्छे से लिख देना, डायग्राम डायग्राम शुड बी मेड विथ ज्योमेट्री बॉक्स, विथ ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना, लाइन वाइन बिल्कुल प्रॉपरली बनाना, प्रोट्रैक्टर वगैरह यूज करके स्टेप्स वगैरह बिल्कुल अच्छे से लिख देना उसके, लेबल डायग्राम्स प्रॉपरली, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं दोस्तों। आप हम लोगों ने एक टॉपर की कॉपी देखी, जिसके 100 में से 100 मार्क्स आए थे, 80 में से 80 सॉरी जिसके मार्क्स आए थे, उसकी कॉपी देख के हम लोगों ने एनालाइज किया है। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया कि भाई क्या कहना चाहता हूं मैं, क्यों कहना चाहता हूं। तो इसी तरह से आप लोग आंसर लिखिए, और आप चाहो तो इस कॉपी को डाउनलोड कर सकते हो, है ना, मैं भी आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे, तो होमवर्क कुछ नहीं है, है ना, अब बस आप लोग मेरी रेगुलरली क्लास अटेंड करते रहो, इसके जो अब मॉडल आंसर मैं भी आप लोगों को लिख लिख के दिखाऊंगा, जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे, फीडबैक देते रहिए। ठीक है, और अगर प्लस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज कीजिए, पीजे लाइव। थैंक यू।